नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे देश में आज पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसकी वजह है कुछ लोगों को पत्रकार द्वारा सच दिखाना पसंद नहीं आता, जिससे ये लोग पत्रकारों को धमकाते हैं। कभी कभी पत्रकार पर हमले भी करते हैं। अक्सर देखा गया है, चाहे वो अफसरशाही के लोग हों या कोई नेता हो, छोटी छोटी बातों को लेकर पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। मगर भारतीय मीडिया फाउंडेशन की मांग मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी किया। योगी ने कहा, पत्रकारों के साथ कोई भी बदसलूकी करता है या उसका उत्पीड़न करता है तो 24 घंटे में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी पर 3 साल जेल, 50,000 जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी किया, अगर देश में कोई भी पत्रकारों से बदसलूकी की तो 24 घंटे में FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही मोदी ने कहा, पत्रकारों को धमकाने और बदसलूकी करने वालों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी, इसलिए पत्रकारों से किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार ना करें, पत्रकारों का सम्मान करें। CM योगी ने कहा, अगर किसी पत्रकार को किसी भी तरह की समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। पत्रकार को धमकाने वालों को 24 घंटे में हवालात की सैर करनी पड़ेगी, इसलिए योगी ने कहा, पत्रकारों का सम्मान करें। अगर अभद्र व्यवहार किया किसी ने तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।